रानी ने वो चुनरी जानबूझकर राधिका को धोने के लिए दिया है ताकि राधिका उस चुनरी पर दिव्यम जी के नाम देख ले, और चुनरी पर दिव्यम के नाम देखकर काफी परेशान होने लगी। वही अब राधिका ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि ऐसी चुनरी तो मैं इससे पहले कभी देखी नहीं। और वही रानी ये सब कुछ देखकर बेहद खुश होती है कि अब मेरी और दिव्यम की शादी की सच्चाई राधिका के सामने आ जाएगी। वही जब राधिका वो चुनरी लेकर रानी के पास जाती है, पूछती है कि ये चुनरी किसकी है, तभी रानी राधिका को बताती है कि ये चुनरी मेरी है और अब मैं हूँ दिव्यम जी के दुल्हनिया। वहीं जब राधिका रानी के मुंह से इस बात को सुनती है तो राधिका को वहाँ पर काफी जोर का झटका लगता है। हालांकि जब राधिका इस सवाल को जाकर दिव्यम जी के सामने रखती है तो दिव्यम भी राधिका को बता देता है कि राधिका ये बात सच है। फिर राधिका दिव्यम जी से कहती है कि आपने मुझसे एक बार भी नहीं पूछे और शादी कर ली। दिव्यम राधिका को कहता है कि राधिका ये मेरी मजबूरी थी। वही एक तरफ अब सुजाता की बोलती ही बंद हो गई है। हालांकि अब ऐसे में आगे देखना ये काफी दिलचस्पी होगा कि अब राधिका के सामने रानी का असली चेहरा तो आ चुका है। वही अब आगे आने वाला समय तय करेगा कि सुजाता इस मामले को कैसे सुलझाती है। लेकिन आगे के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए मन अति सुंदर का अगला एपिसोड दंगल टीवी।